यहाँ पर हमारे बाजार टाउन ब्लू डायमंड क्लब में पूजा पिछले दस वर्षों से हम लगातार पूजा कर रहे हैं और ठाकुर गांव में रांची के तर्ज पर सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा के तर्ज पर ठाकुर गांव में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है और इसके पीछे कारण है कि यहाँ पर साक्षात माँ दुर्गा है, इसके कारण हम लोग भव्य रूप से दुर्गा पूजा की पूजा नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर भव्य रूप से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। और आपके सामने जो ये पंडाल, भव्य पंडाल बना हुआ है, ये लगभग 10 से 15 दिनों में हमने तैयार किया है बंगाल के कारीगरों के द्वारा, और इस पंडाल में लगभग 2 लाख का खर्च आया है। और हम इस ताज़ा खबर के से आपसे आग्रह करते हैं कि आप सभी दर्शनार्थियों से आप आएँ हमारे परिसर में और माँ शारदे का दर्शन करें और उनके भागी बने। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है और हम लोग एक बारी बारी से दर्शकों को पंडाल के अंदर प्रवेश दे रहे हैं और दर्शकों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। और समाज कल्याण समिति क्रांति चौक ठाकुर गांव की यह जो पूजा है, ये वर्षों वर्ष पुरानी पूजा है जिसको आज भी हम लोग कायम रखे हैं और आने वाला भविष्य में भी चलेगा। कितना खर्च हो जाता है पंडाल बनाने में? लगभग करीब करीब 2 लाख रुपए की खर्चा आती है और हमारे पंडाल में बृहस्पतिवार को रात्रि कार्यक्रम जगराता भी है जिसमें पूरे क्षेत्र के श्रद्धालु आएंगे और एक जनसमूह यहाँ माँ शारदे की दर्शन के लिए इकट्ठा होगी। ये कार्यक्रम कई दिन तक चलेगा? लगभग ये कार्यक्रम 4 दिनों का है, चूँकि एक दिन जो आज मंगलवार है, कल बृहस्पति, बुधवार एक दिन मूर्ति रखता है लोग, और बृहस्पतिवार हो जाने के कारण मूर्ति विसर्जन नहीं हो पाएगा, इसलिए शुक्रवार को मूर्ति विसर्जन होगी।